फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। यूँ तो मैंने कई पुलाव की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है, पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरी फेवरेट प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी। तो चलो देखते हैं कि इसे मैंने किस तरह से बनाया है। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून के करीब करीब ऑयल लिया है। पुलाव बना रहे तो ऑयल इसमें हमें अच्छा चाहिए। इसमें हम एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे, मैंने इसे बीच से तोड़ लिया है। दालचीनी, 3 हरी इलायची डाल रही हूँ मैं, 5 लौंग और ये 6 से 7 मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसे हल्का सा हम सौते कर लेंगे, बस मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए इतना ही। फिर इसमें मैं 3 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, तब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच हम इसमें जिंजर पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मुझे प्रॉन्स के पुलाव में आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, घी डाल रही हूँ, दही डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून के करीब करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें प्रॉन्स डाल देंगे। प्रॉन्स को मैंने थोड़ी देर पहले नमक, हल्दी और नींबू से मैरिनेट करके रखा था और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्रॉन्स। चला देते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी को बॉईल आने तक हम रख देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये मैंने 300 ग्राम लॉन्ग राइस लिया था, उसको धोकर अच्छे से फिर 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। पानी रिड्यूस हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 1 चम्मच हम ऊपर से इसमें ऑयल डाल देंगे।
फिर इसे हम ढककर दम पे रख देंगे। इसे हम चेक कर लेते हैं। चावल अच्छे से पक गए हैं, बस हमें एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पुलाव हमारा सर्व करने के लिए रेडी है, तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। मेरा फेवरेट प्रॉन्स पुलाव रेडी है। दिखने में जितना टेम्प्टिंग है, खाने में उतना ही ज़बरदस्त। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।